एक समय हमारी पृथ्वी पर भयानक और दैत्यकार डायनासोरों का राज था। उस समय पृथ्वी पर मानव जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये डायनासोर अलग अलग प्रजातियों के थे। इन विशालकाय जीवों ने इस पृथ्वी पर लगभग 14 करोड़ साल तक राज किया। 6 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी। वातावरण एकदम शीशे की तरह साफ और मौसम सुहावना रहता था। डायनासोर इस मौसम में खूब फल फूल रहे थे, बोले तो एकदम बिंदास जिंदगी जी रहे थे। लेकिन डायनासोर के साथ एक प्रजाति और भी मौजूद थी जो कि मैमल्स कहलाते थे। ये सतनधारी जीव ही हमारे पूर्वज थे, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन डायनासोर के डर से ये बिल में छुपे रहते थे। डायनासोर का अंत कैसे हुआ? कहते हैं भगवान ने सभी का अंत निश्चित किया है। हंसते खेलते डायनासोर की प्रजाति पर एक प्रचंड प्रहार होने वाला था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर व्यास वाला उल्का पिंड अनियंत्रित होकर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। यह उल्का पिंड मेक्सिको की खाड़ी के पास जाकर टकराता है। यह विस्फोट इतना भयानक था कि 800 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी डायनासोर अंधे हो गए। 10 हाइड्रोजन बम के बराबर यह उल्का पिंड भयंकर तबाही मचाता है। जहां उल्का पिंड गिरा वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन गया। इस टक्कर के बाद लाखों टन धातु उछलकर पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। टक्कर के बाद पृथ्वी पर भूकंप, समुन्द्र में सुनामी और रेडिएशन फैलने लगे। सभी डायनासोर इस भट्टी में जलने लगे। 40 मिनट तक अंतरिक्ष में उछलते धातु और पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आग के गोले में बदलकर डायनासोर पर गिरने लगे। धूल का एक मोटा बादल पृथ्वी पर 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगा। अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी जीवों, पेड़ पौधों को चक्रवात उखाड़ फेंक रहा था। उल्का पिंड गिरने के 90 मिनट बाद पृथ्वी पर एक नरक की भट्टी बन गई जिसका तापमान 200 सेंटीग्रेड तक हो गया। छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय के बाद 25 किलोग्राम से ऊपर के सभी जीव मारे गए। केवल बिल में रहने वाले छोटे जीव ही बच पाए। इन जीवों ने जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष किया। इनको जो भी मिला वही खाकर जिंदा रहे। इस तरह डायनासोर का अंत हुआ और एक नई दुनिया का प्रारंभ हुआ। आपकी क्या राय है डायनासोर के अंत के बारे में दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।